हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमारी कंप्यूटर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, किसी भी चीज़ की विशेषताएँ। जब हम किसी चीज़ की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, आप इसे क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर हैव मेड देम सो पावरफुल एंड यूनिवर्सली यूजफुल। जो इसके विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है और यूनिवर्सली इसको यूज़ किया जा रहा है। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक हेयर इंडिकेट्स द क्वालिटीज़ और फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये इसके क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़, कैपेसिटी एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसकी कैपेसिटी और साइज़ और स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं। बट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू। लेकिन जो मेजर हैं, जो सभी कंप्यूटर्स में होते ही हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है स्पीड। तो कंप्यूटर्स मेनली अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। जो काम हम कुछ मिनटों में करेंगे, वो काम कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में कर देते हैं। स्पीड इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर वर्क सो फास्ट दैट इट कैन प्रोसेस एनी टास्क एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो स्पीड एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कंप्यूटर की। ये कोई भी काम को बहुत ही ज़्यादा नैनो सेकंड्स में पूरा कर देता है, किसी भी काम को, और आउटपुट हमें दे देता है। अ पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, विच इज़ रियली इनक्रेडिबल। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। तो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कुछ ही सेकेंड्स में दे सकते हैं कंप्यूटर को, और ये हमें आउटपुट दे देगा। उसके बाद जो इसकी स्पीड है, उन्हें हम माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ये जब भी रिजल्ट देता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड इनक्रेडिबल स्पीड, इंस्टेड दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग विद एक्यूरेसी। तो ये सिर्फ स्पीड के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, ये तेज़ी से काम तो करते ही हैं, लेकिन साथ में सही काम भी करते हैं। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कंप्यूटर्स इज़ वेरी हाई। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। तो जो कंप्यूटर है, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो कैलकुलेशंस को 100% एक्यूरेसी पर परफॉर्म करते हैं। एरर्स मे ऑक्यूर इन अ कंप्यूटर सिस्टम बट ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग ह्यूमन इनपुट और इनएक्यूरेट डाटा। तो जो एरर्स हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की गलती से नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ जब हम उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इनपुट देते हैं, तभी हो सकते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर को अगर आप सही इनपुट दोगे, तो वो सही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। सो नेक्स्ट इज डिलीजेंस। अनलाइक अ ह्यूमन, द कंप्यूटर डजेंट गेट टायर्ड और लैक्स इट कंसंट्रेशन। तो जैसे ह्यूमन का नेचर होता है कि वो थोड़ा काम करके थक जाते हैं, या कभी ना कभी तो थकते ही हैं, बट जो कंप्यूटर है, उसको आप दिन रात यूज़ कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी है और बैटरी पावर है, तो आप उसे कभी तक भी यूज़ कर सकते हो, ये कभी थकता नहीं है, और ना ही इसका कंसंट्रेशन पावर कम होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, ये थकान से बिल्कुल दूर होता है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एन एरर, ये बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है और साथ में कोई भी एरर भी नहीं देता है। जैसे जब कि ह्यूमन बींग थक जाता है, तो वो गलतियाँ करने लग जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं थकता और ना ही ये कोई मिस्टेक्स करता है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट ओवर पावर ह्यूमन बींग इन मोस्ट ऑफ द रेगुलर टास्क। अपनी इसी क्वालिटी के कारण ये ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उनको ओवर पावर कर दिया इसने बहुत सारे टास्क में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्सेटिलिटी की। तो देखिए, द कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी एट द सेम टाइम। तो जो कंप्यूटर है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग तरह के टास्क को कर सकते हैं एक ही टाइम पर। यानी कि आप एक टाइम पर अगर पेंट यूज़ कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप एक ही टाइम पर अलग अलग काम को कर सकते हैं, और उतनी ही एफिशिएंसी और एक्यूरेसी से ये सभी कामों को कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हैं तो दूसरा टास्क आपका गलत हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट जस्ट ए कैलकुलेटिंग मशीन एनीमोर। अभी ये सिर्फ एक कैलकुलेटिंग मशीन नहीं रह गई है। हाँ, जब इसका इन्वेंशन हुआ था, तब ये ओनली एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, ये सिर्फ कैलकुलेशंस करती थी, लेकिन अभी ये बहुत सारे टास्क कर सकती है।
नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. जो कंप्यूटर है वो अपने अंदर ही बहुत बड़ी अमाउंट डेटा को स्टोर कर सकता है. इट कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा. ये सभी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है. वंस द डेटा इज सेव्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी इट रिमेन्स इन द मेमोरी. जब हम एक बार किसी भी डेटा को कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो उसके बाद वो मेमोरी में रहता है, चाहे आप उसे कितने भी टाइम तक रखिए. जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा, और आपको जब भी उसे रिकॉल करना होगा आप उसे कर सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस समवन डिलीट्स यूजर्स कैन रिकॉल द डेटा एनी टाइम. क्लियर. नेक्स्ट इज पावर ऑफ रिमेंबरिंग. तो देखिए इंसान जो है एक वो कब तक याद रख सकता है. हमें मान लीजिए कोई चीज़, चलो किसी की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो वो किसी चीज़ को याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं याद रख सकते हैं. तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो ऐसी पावर ऑफ रिमेंबरिंग है, जो वो ऐसी है कि वो उसको किसी चीज़ को अगर हम स्टोर कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए भी रह सकती है, अनलेस हम उसको डिलीट ना करें. कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी डेटा. एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर इट फॉर एनी नंबर्स ऑफ ईयर्स. कितने भी सालों तक आप किसी चीज़ को रिकॉल कर सकते हो कंप्यूटर में अगर आपने सेव किया है तो. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दिस इज ट्रू ओनली वेन द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर और प्रोग्राम इज करेक्ट एंड रिलायबल. तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं कंप्यूटर जो हमें देता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम उसे करेक्ट इनपुट देंगे. और इसीलिए आज बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गनाइजेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो एक, अगर आपका आपने अपनी ऑर्गनाइजेशन का डेटा किसी कंप्यूटर में स्टोर किया है तो वो कहीं नहीं जा सकता है वहाँ से. इसीलिए आजकल हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ऑर्गनाइजेशन में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं. तो ये थे हमारे कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. और भी इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ मेजर की बात करी है. जैसे ऑटोमेशन भी एक इसकी क्वालिटी है कि ये हमें इसे थोड़ी सी इनपुट देने के बाद ये हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है. हमें इसे एक जेन्युइन इनपुट देना होता है बस, तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है. तो इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हमने मेजर की बात की है. तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. तब तक के लिए बाय बाय.